तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर असर ये अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार ये हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एस्क एक्सपर्ट। तो फ्रेंड्स आज आपके लिए फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस गाइस लेके आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप भी कुछ इसी तरह से गाइस स्टेटस बनाना चाहते हो इस न्यू ब्लर इफेक्ट में तो गाइस इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस तरह का स्टेटस गाइस बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा और इस एप्लीकेशन का नाम है स्काइन मास्टर। अगर आपके पास में फ्रेंड्स स्काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो जाके गाइस हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस टेलीग्राम पर मैंने स्काइन मास्टर का लिंक दे दिया है, जाके गाइस आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स स्काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट यानी प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। देन गाइस यहाँ से 9.16 की जो रेशो है साइज है इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से मैं उस वीडियो को लेता हूँ जिस वीडियो में गाइस मैंने म्यूजिक लगा रखा है। तो फ्रेंड्स यहां से इस वाले वीडियो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। गाइस देख सकते हो इस वीडियो में मैंने सारा कुछ यहां पे देखो किस तरीके से हमने बना रखा है, पहले से ये स्टेटस है गाइस। अभी गाइस यहाँ पर आपको करना क्या गाइस, इसमें आपको जैसे कि मैं बताता हूँ कि मार्क लगा के गाइस आप अच्छे से फोटो को एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी माइक को रिमूव करूँगा यानी कि हटाऊँगा तो गाइस मेरी जो वॉइस है थोड़ी सी खराब आएगी, इसलिए गाइस यहाँ से मैं मार्क लगा लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए गाइस आपको करना क्या है, वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद देखिए आपकी जो फोटो गाइस यहाँ पर मूव हो रहा है, देखिए मूव हो रहा है। उसके बाद में गाइस यहाँ से देखिए जहाँ तक ये फुल हो जाएगा वहीं पर आपको मार्क लगा देना है। जैसे गाइस यहाँ पर देखिए यहाँ पर फुल हो चुका है। देन गाइस यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे करते हैं, यहाँ तक गाइस ये फोटो है तो यहाँ हम मार्क लगा देंगे गाइस। अभी गाइस आपको करना है क्या, यहाँ पे फिर से आगे चले आना, आगे आने के बाद में गाइस यहाँ पे दूसरी फोटो गाइस यहाँ पे यहाँ आ जाना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे भी देखिए आपको मार्क लगा देना है गाइस। तो गाइस कुछ इसी तरह से आप अपनी फोटो को गाइस आप यहाँ सेट कर सकते हो। और गाइस अगर आप म्यूजिक को सुनना भी चाहते हो गाइस सुन के आप यहाँ से गाइस अच्छे से फिक्स कर सकते हो गाइस। तो यहाँ से गाइस मैं अपनी माइक को हटाऊंगा तो गाइस मेरी वॉइस जो बहुत ख़राब आएगी, इसलिए गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए इस तरह मैं मार्क लगा देता ताकि गाइस मुझे पता चले कि ये फोटो कहां तक है। और गाइस यहां पे जैसे हमें पता चलेगा वहां तक हम अपनी फोटो को गाइस एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस यहां से देखिए कुछ इस तरह से गाइस आपको यहां पे आगे आना है। उसके बाद में गाइस यहां पे आ जाना है और यहां से गाइस देखिए हम थोड़ा सा और आगे आते हैं और यहां पर गाइस जो थर्ड फोटो यहां पर आ जाता है तो यहां लगा देंगे। फिर गाइस थोड़ा सा आगे जाएंगे उसके बाद में देखिए फिर यहां पर फोटो आ जाएगा गाइस। तो यहां पर आपको कुछ इस तरह से गाइस यहां पर मार्क लगा देना है। फिर से गाइस आपको आगे आ जाना है तो यहां पर गाइस फोटो चेंज होगा, यहां पर मार्क लगा देना गाइज। तो कुछ इसी तरह से गाइज आपको आगे फोटो के साथ में गाइज देख लेना है और उसके बाद में गाइज इसको मार्क आपको लगा देना है। तो गाइज यहां से देखिए मैंने लगा दिया है। फिलहाल में गाइज यहाँ पर मैं अपने हिसाब से सुन के लगा लूँगा, आप भी अपने हिसाब से सुन के लगा लीजिएगा। नहीं तो गाइज इस वीडियो को आप डाउनलोड करोगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे फोटो एडजस्ट है। तो गाइज आपको यहाँ पे अच्छे से गाइज समझ आ जाएगा और मार्क लगा के गाइज और अपनी फोटो का एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइज मैं पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, इस टैम्पलेट पर क्लिक करके 3 डॉट पर आकर डुप्लीकेट लेयर कर देता हूँ, इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। अभी गाइज यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो इस टैम्पलेट का जो म्यूजिक है सॉन्ग है गाइज यहाँ पर आ जाएगा। अभी फिलहाल में गाइज इस टैम्पलेट को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। अभी करना क्या है फ्रेंड्स, इस टैम्पलेट को भी हम यहां से इसको डिलीट कर देंगे। अभी गाइस मीडिया के ऑप्शन में चले जाना है, बैकग्राउंड के ऑप्शन में जाके एक ब्लैक कलर की पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। अब इस बैकग्राउंड की ड्यूरेशन को गाइस हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि गाइस जो फोटो जूमिंग जो हो रहा था वो फोटो हमें यहां तक सिलेक्ट करना है। तो फिर से गाइस लेयर के ऑप्शन में आके मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है। देन गाइस यहां से आपको किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, एक्ट्रेस मॉडल जिसकी भी फोटो आप बनाना चाहते हो गाइस उस फोटोज को सिलेक्ट कर लीजिएगा पहले एक फोटो को। तो गाइस यहां से मैं एक फोटो पहले सिलेक्ट कर लिया हूं। अभी क्या करता हूं गाइस यहां पर देखिए इसकी म्यूजिक यहां से स्टार्ट होगी। तो गाइस यहां मैं क्या करता हूं इधर का मैं ट्रिम कर देता हूं गाइस सभी एक्स्ट्रा पार्ट को। अभी फ्रेंड्स यहां पे इस फोटो पे क्लिक करके इस फोटो की ड्यूरेशन को यानी कि इसको जूम आउट कर लेना, छोटा कर देना, बिल्कुल आपको इतना छोटा कर लेना है। इतना छोटा करने के बाद में गाइस आपको यहां पे चाबी का ऑप्शन तो दिख रहा है गाइस, इसको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस इसको क्लिक करोगे उसके बाद में गाइस बिल्कुल आपके लास्ट में चले जाना और यहां पर गाइस एक चाबी के ऑप्शन और क्लिक कर देना है। उसके
बाद में गाइस आपको यहाँ से इसको जूम कर लेना, कुछ इस तरह से जूम कर लीजिएगा। तो गाइस देखिए ये जूम हो चुका है अभी। गाइस जैसे यहाँ पे देखिए वीडियो स्टार्ट होगा तो गाइस देखिए कुछ इस तरह से आपके फोटो जूम होने लग जाएगा। फ्रेंड्स अभी इसमें हमें और इफेक्ट लगाना है तो इसी फोटो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर गाइज ओवरऑल एनिमेशन में चले जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हो गाइज आपको यहाँ पे फ्लोटिंग ड्राफ्टिंग जो लिखा हुआ है आप दोनों में से गाइज कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने फ्लोटिंग सिलेक्ट कर लिया है। अभी गाइज जैसे वीडियो स्टार्ट होगा तो देखिए कुछ इस तरह से गाइज इफेक्ट आएगा, उसके बाद में फोटो चेंज होगा। तो उसके लिए फिर से आप क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन में आके एडिटिंग के ऑप्शन में आके फिल स्क्रीन क्लिक कर देना है। देन गाइज यहाँ पर इसको 1 आसपास कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज यहाँ से मैंने उसको 1 कर दिया। उसके बाद में गाइज यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन में चले जाना है। देन गाइज आपको अपने गैलरी से गाइज फोटोज़ वगैरह को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो से गाइज आप स्टेटस गाइज बनाना चाहते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं कुछ फोटोज़ वगैरह सिलेक्ट कर लिया हूँ, तो गाइज आप भी फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ से देखिए गाइज फोटो हमने सिलेक्ट कर लिया है। अभी गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ फिंगर रख लेना है, यानी उंगली रख के दोनों को जूम कर देना है गाइज, ठीक है। तो फोटो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरह से जूम हो जाएगा। अभी जूम होने के बाद में गाइज फर्स्ट जो फोटो था गाइज हमारा यहाँ तक था, तो मैंने मार के इसलिए गाइज लगा दिया था ताकि मुझे पता चल जाए कि जो फोटो है उसकी ड्यूरेशन कितना तक है। तो गाइज यहाँ तक फर्स्ट फोटो था। उसके बाद में गाइज यहाँ पे आएंगे, देखिए फिर यहाँ पे जहाँ पे मार्क लगा हुआ है यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा फोटो यहाँ था, थर्ड फोटो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा था तो यहाँ तक हम बढ़ा लेते हैं। उसके बाद में गाइज कुछ इसी तरह से यहाँ से देखिए मैं मार्क लगा लगा के गाइज यहाँ से इस फोटो को गाइज अच्छे से फिक्स कर रहा हूँ। तो गाइज आप भी मार्क लगा सकते हो, नहीं तो गाइज यहाँ पे सॉन्ग के सुन के गाइज आप अच्छे से गाइज यहाँ पे सुनने के बाद में अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। फटाफट सारी फोटो को फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ कौन से इफेक्ट लगाना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए। ओके, तो गाइज मैंने सभी फोटो को अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर दिया है। तो देख सकते हो गाइज कुछ इस तरह से यहाँ से म्यूजिक प्ले होगा, उसके बाद में फोटो जूम होगा। फर्स्ट फोटो गाइज यहाँ पर कुछ इस तरह से गाइज अपने हिसाब से आप सुन के लगा लीजिएगा। तो देख सकते हो गाइज कुछ इस तरह से हमारा जो फोटो गाइज यहाँ पर मैंने इसको अच्छे फिक्स कर दिया गाइज, ठीक है। फिक्स करने के बाद में गाइज आप इसमें हमें इफेक्ट लगाना है, ग्राफिक वगैरह लगाना है, तो उसको कैसे ऐड करना है देखिए गाइज यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे गिटार की ट्यून आती है यहाँ 13-14 सेकंड के बाद में 15 सेकंड में, तो यहाँ से एक फोटो गाइज थोड़ी सी यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा, यानी कि लंबा है ये फोटो, ठीक है। जहाँ पे गिटार के ट्यून फिर से गाइज यहाँ पे बजती है वहाँ से फोटो चेंज होना चाहिए। उसके बाद में गाइज यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से और भी यहाँ पर 1 पॉइंट सिलेक्ट करोगे, जैसे सेटिंग में आके एडिटिंग में आके यहाँ पर 1 सिलेक्ट करोगे तो गाइज आपको ज़्यादा सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर गाइज फोटो को स्टार्टिंग में 2-3 फोटो सेटिंग करने की जरूरत पड़ेगा और उसके बाद में गाइज आपको बीच में बस ये 2 फोटो सेट करना पड़ेगा, बाकी गाइज ये 1 जो है गाइज बिल्कुल सेम ही है। ड्यूरेशन भी आपको दिखा देता हूँ, देखिए 1 ही है। देन गाइस आपको कुछ इसी तरह से आपको सेट कर लेना है फोटोज वगैरह को। अब गाइस फोटोज को सेट करने के बाद में आपको क्या करना है गाइस, फोटो को दोनों तरफ क्लिक करके इसको जूम आउट कर देना है गाइस, ठीक है। तो जूम आउट गाइस हमने कर दिया है। अभी गाइस यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें इफेक्ट लगाना है। तो गाइस अभी देखिए थोड़ा सा सॉरी गाइस यहाँ पर जूम इन ही कर लेना है क्योंकि गाइस इफेक्ट लगाते समय दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ से गाइस फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिप ग्राफिक के ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर जो हम क्लिप ग्राफिक यूज करने वाले हैं बीटसाइन एप्लीकेशन की। अभी गाइस ये बीटसाइन बारे में आपको बताऊंगा, तो यहां पर स्वीटलेस की क्लिप ग्राफिक्स को क्लिक करके यहां से गाइस 9 नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, या आप 7 नंबर कर सकते हो या 11 नंबर कुछ भी, तो मैं यहां पर 9 नंबर सिलेक्ट कर लूंगा। फिर से दूसरी फोटो पर क्लिक करके क्लिप ग्राफिक के ऑप्शन में चले जाऊंगा और यहाँ से गाइज फिर से यहाँ से मैं आ जाऊँगा स्वीट लाइज की इफेक्ट में और यहाँ से गाइज अब मैं 11 नंबर जो गाइज यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। देन गाइज फिर से फोटो पे क्लिक करके क्लिप ग्राफिक में चले जाएंगे। देन गाइज यहाँ से फिर से हम यहाँ पे स्वीट लाइज की क्लिप ग्राफिक में आ जाएंगे और यहाँ से गाइज फिर से हम 9 नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइज एक फोटो पर आपको 9 नंबर सिलेक्ट करना है और एक फोटो पर आपको 11 नंबर जो गाइज क्लिप ग्राफिक है उसको गाइज आपको ऐड करना है स्वीट लाइज की। तो गाइज यहाँ से देखें मैं ऐड कर लेता हूँ। अभी गाइज आपको बताता हूँ कि इस क्लिप ग्राफिक को आपको डाउनलोड कैसे करना। तो गाइज इस क्लिप ग्राफिक को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बताया है कि कॉल मी डीजे प्लस जितने भी क्लिप ग्राफिक होते हैं बीट्स एंड एप्लीकेशन की तो उसको कैसे ऐड करते हैं। तो गाइज उस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा पहले, तभी आप समझ पाओगे कि इस क्लिप ग्राफिक को कैसे ऐड करना है, कैसे डाउनलोड करना है और कैसे गाइज आपको काइंड मास्टर में ऐड करना है। तो गाइज बहुत सिंपल है, तो कुछ मिनटों का वीडियो है, 2-3 मिनट का वीडियो, आप जाके गाइज उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो गाइज यहां से फटाफट में यहां से गाइज इस
वाली वीडियो को गैज यहाँ से यानी कि सभी क्लिप ग्राफिक को गैज यहाँ से एक एक करके गैज यहाँ से मैं सेट कर देता हूँ। तो गैज यहाँ से देखिए पहले गैज 9 के थे, फिर 11 कर लेते हैं, फिर से गैज यहाँ क्लिक करते हैं और गैज यहाँ से देखिए फटाफट मैं इस क्लिप ग्राफिक को गैज यहाँ से इसमें ऐड कर देता हूँ। तब तक गैज वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। ओके तो गाइज मैंने सभी फोटो में गाइज इफेक्ट को लगा दिया और ये इफेक्ट काफ़ी शानदार हमारे वीडियो में देगा। तो गाइज यहाँ पे अब जूम आउट कर देते हैं। फाइनली गाइज अब हमने इसको जूम आउट कर दिया और इधर से भी गाइज हम कर लेते हैं। देखिए गाइज अब जो वीडियो प्ले होगा तो गाइज कुछ इस तरह से यहाँ से इफेक्ट आएगा, उसके बाद फोटो गाइज यहाँ पे ब्लर दिखेगा, देख सकते हो गाइज। तो यहाँ पर गाइज फोटो भी आपको ब्लर दिखने लग जाएगा। फिलहाल मैं गाइज इसकी म्यूजिक को मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ ताकि मेरी वॉइस आपको गाइज सुनाई देगा। तो यहाँ से देखिए गाइज कुछ इस तरह से हमने इफेक्ट को गाइज लगा दिया है और गाइज यहाँ पर हमने इफेक्ट लगाया बहुत शानदार इफेक्ट और ये ब्लर इफेक्ट गाइस आपके स्टेटस में और भी अच्छा लगेगा। तो फाइनली गाइस अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आके लेयर के ऑप्शन में आके गाइस मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है। देन गाइस यहां से हम अपनी गैलरी में आते हैं और गैलरी से गाइस यहां से इस वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट करके फुल स्क्रीन कर देना है। देन गाइस इसकी म्यूजिक मैं यहां से म्यूट कर देता हूं ताकि मेरी वॉइस आपको सुनाई दे। ब्लेंडिंग के ऑप्शन में आके स्क्रीन के ऑप्शन को इनेबल करना है। देख सकते हो गाइस ये कुछ इस तरह से ये टेम्पलेट इफेक्ट दे रहा है। अभी गाइस आपको यहीं पे आ रहना है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे गाइस रहना जहाँ पे फोटो स्टार्ट होगा। फिर से गाइस लेयर को ऑप्शन में आकर गाइस मीडिया को ऑप्शन में आ जाना है। देन गाइस यहाँ से क्या करते हैं फिर से हम अपने गैलरी में आते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ से गाइस मैं अपने गैलरी में आ जाता हूँ और गैलरी से गाइस क्या करते इस वाले टैम्पलेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको गाइस यहाँ से फुल स्क्रीन करके इसकी भी म्यूजिक को यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। इसी टैम्पलेट पर क्लिक करके ब्लेंडिंग के ऑप्शन में आके स्क्रीन के ऑप्शन को इनेबल कर देना है। देखिए गाइस यहाँ से अब ये टैम्पलेट भी काफ़ी शानदार इफेक्ट देगी आपकी वीडियोस में। अभी गाइस फिर से आपको क्या करना है वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है और लेयर के ऑप्शन में आके मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है। यहां से गाइस मीडिया के ऑप्शन में आने के बाद मैं गैलरी में आ जाता हूं और गैलरी से गाइस आपको बॉर्डर पीएनजी को सिलेक्ट करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है। इसकी ड्यूरेशन को गाइस आपको वहां तक बढ़ा देना है जहां तक स्टेटस है। तो फाइनली गाइस जो हमारा स्टेटस है फुल बन चुका है। तो गाइस कुछ इसी तरह का स्टेटस गाइस आप भी बना सकते हो। तो गाइस इस वीडियो के एडिटिंग करने के लिए मैंने जितना भी मटेरियल टेम्पलेट बॉर्डर पीएनजी जो भी यूज किया हूं सबका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देन गाइस हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो जाकर गाइस डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, इंस्टाग्राम का गाइस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और गाइस फॉलो नहीं किया तो गाइस फॉलो कर लीजिएगा। अभी गाइस क्या करते हैं वीडियो के लास्ट में चले जाना, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आपको क्लिक कर देना है, ट्रिम कर देना गाइस। देखिए तो यहाँ ट्रिम कर गाइस ये छोटा सा थोड़ा ये फोटो वीडियो से गाइस छोटा हो जाएगा, तो इसको क्लिक करके 3 डॉट पर आकर डुप्लीकेट कर लेना है आपको और यहाँ पर इस वीडियो को गाइस क्लिक करके रखना और आगे की तरफ खींच देना, तो ये आगे आ जाएगा। देन गाइस यहाँ पे इसकी एक्स्ट्रा पार्ट इधर से ट्रिम कर देना, ठीक है। तो गाइस फाइनली हमने जो वीडियो जो बन चुका है गाइस जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से हम ट्रिम कर देते हैं। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में इसको फुल HD में अपने गैलरी में सेव कर लेना है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और आगे भी आप चाहते हो कि एलाइट मोशन या काइन मास्टर जिसका भी ट्यूटोरियल देखना चाहता हो तो गाइस आपको चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को गाइस प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।